गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर नेक्स्ट क्लास ऑफ पैथो इन विच वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूरिन एनालिसिस। इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड सम वॉट केमिकल एग्जामिनेशन लाइक ग्लूकोज एंड प्रोटीन। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द ketones found in urine, blood, bile and some microscopic examination of urine. First of all, ketones in urine which is this condition is known as ketoneuria. Actually क्या होता है कि fat जो body में normally metabolize होता है carbon dioxide और water के अंदर, और जब कभी भी carbohydrate inadequate होता है हमारे diet में या अगर हम हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव हो रहा है या उसका एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव हो रहा है, तो बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज फैटी एसिड को ज़्यादा करने लग जाती है। और जब फैटी एसिड का यूटिलाइजेशन इनकम्प्लीट हो रहा होता है तो उस दौरान एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है फैट के मेटाबॉलिज्म से जो ब्लड और यूरिन में दिखाई देता है। इस इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट में जो है वो तीन चीज़ें बनती हैं, उनको अपन कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। वो तीन चीज़ें हैं एसीटोन, डाइएस्टिक एसिड जिसको अपन एस्टोएस्टिक एसिड भी कहते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। इन तीन बॉडीज़ का एक्सक्रीशन जब यूरिन में हो रहा होता है तो उस कंडीशन को अपन कीटोन्यूरिया कहते हैं। और ये कंडीशंस देखने को मिलती है तब जब फैट मेटाबॉलिज्म ऑल्टर्ड हो जाता है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस हो या किसी को सीवियर स्टारवेशन हुआ हो, तब ये देखने को मिलती है। इसके अलावा तो देखिए, इसके अंदर मैंने लिख रखा है ना, टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज तीन तरह की हैं, एसीटोन, एस्टोएस्टिक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड। ये फैट मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब कीटोन बॉडीज़ के टेस्ट देखें, उससे पहले अपन कॉजेज एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको कॉजेज में बताया कि भाई फैट का मेटाबॉलिज्म अगर ऑल्टर्ड हो जाता है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है या सीवियर स्टारवेशन होता है, इसके अलावा फीवर में, एनोरेक्सिया में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस के अंदर, फास्टिंग के अंदर, स्टारवेशन में और सीवियर वॉमिटिंग के केस के अंदर जो है वो कीटोन्यूरिया देखने को मिलता है। अब कीटोन्यूरिया अगर किसी को हो गया, यानी यूरिन में कीटोन बॉडीज़ हैं, तो उसको अपन कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले इसका जो टेस्ट है उसका नाम है रोदेरास टेस्ट। रोदेरास टेस्ट एसीटोन और एस्टोएस्टिक एसिड के लिए किया जाता है। इसका प्रिंसिपल यही है कि जो एसीटोन और एस्टोएस्टिक एसिड है, जब ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में रिएक्ट करते हैं एल्कली के प्रेजेंस में, तो ये पर्पल कलर देते हैं। ये रोदेरास टेस्ट का प्रिंसिपल है। तो इसमें आपको 5 ml यूरिन टेस्ट ट्यूब में लेना है और उसको सैचूरेट करना है अमोनियम सल्फेट के साथ में। फिर एक क्रिस्टल आप डालेंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का, और धीरे धीरे लिक्वर अमोनिया जो है वो टेस्ट ट्यूब की साइड में डालना स्टार्ट करेंगे। अगर पर्पल कलर की रिंग आपको दो चीज़ों के जंक्शन पर दिखाई दे रहे हैं, दो लिक्विड्स के जंक्शन पर दिखाई दे रही है, तो टेस्ट इज़ पॉजिटिव। 1 से 5 mg/dL एस्टोएस्टिक एसिड दिखाई दे जाएगा इसमें, और 10 से 25 mg/dL एसीटोन है तो वो इस टेस्ट से दिखाई दे जाएगा। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पर्पल कलर की रिंग इस तरह से बन जाती है। रोदेरास टेस्ट है जो अपन कीटोन बॉडी के लिए करते हैं। तो देखिए, दो ऊपर और नीचे आपको दो पेल येलो कलर के फ्लूड दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में जंक्शन पे पर्पल कलर की रिंग बन गई, रोदेरास टेस्ट है। इसके अलावा एसिड टेस्ट, टैबलेट टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट जिसको गर्डर्स टेस्ट कहा जाता है, और रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी टेस्ट हैं जो अपन काम में ले सकते हैं कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हार्ट्स टेस्ट आता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड के लिए। तो ऐसे कई सारे टेस्ट हैं जो अपन कर सकते हैं, पर सबसे जो बेस्ट टेस्ट है एक कलरीमेट्रिक रिएजेंट, ये जो अपन स्ट्रिप टेस्ट बोला ना, ये कलरीमेट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट होता है। तो टेस्ट बहुत सारे हैं, पर रोदेरास सबसे सिंपल टेस्ट है, आराम से किया जा सकता है, हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो ये अच्छा टेस्ट है कीटोन बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। अब कीटोन्यूरिया का जो मैंने कॉजेज बताए थे, तो डायबिटीज़ सबसे मेन कॉज है, पर अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है फिर भी कीटोन्यूरिया है उसे, तो वो हाई फीवर, स्टारवेशन, सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया को शो करता है। इसके अलावा ग्लाइकोजन के स्टोरेज की अगर डिजीज़ किसी को हो गई है, कि प्रॉपर ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में मसल्स लीवर में अच्छे से स्टोर नहीं हो रहा, तब भी वो कीटोन्यूरिया कॉज कर देता है।
अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बिलीरुबिन को हमारे को टेस्ट करना है। टेस्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा देख लें बाइल इन द यूरिन को। तो आप जानते हैं बाइल जो है वो बाइल के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो यूरिन में बिलीरुबिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होते हैं। बिलीरुबिन मतलब बाइल पिगमेंट, या बाइल सॉल्ट्स यूरोबिलिन यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में भी एक्सक्रीट होते हैं। बिलीरुबिन जो है यूरिन के अंदर दिखाई देता है तब जब वो ब्लड में एक्सेस में हो जाता है, और जब वो एक्सेस में हो जाएगा तो कंडीशन कहलाएगी जॉन्डिस। ब्लड में एक्सेस में हो गया तो कंडीशन क्या कहलाएगी? जॉन्डिस। अब इसके कई सारे टेस्ट होते हैं बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे फॉर्म टेस्ट, जैमलेंस टेस्ट, फॉशर्ट्स टेस्ट, कलरीमेट्रिक स्ट्रिप रिएजेंट टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हैं बिलीरुबिन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले अपन फॉशर्ट्स टेस्ट देखते हैं। फॉशर्ट्स का प्रिंसिपल क्या है कि बिलीरुबिन जो है बेरियम क्लोराइड पर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा फॉशर्ट्स रिएजेंट का। अगर आप उसको में मिला देते हैं तो ग्रीन कलर के फॉर्म में दिखाई देगा। आपको क्या करना है इसके लिए, यूरिन लेना है, उसमें 2.5 ml 10% बेरियम क्लोराइड को डालिए और अच्छे से मिला लीजिए, और फिर फिल्टर करिए तो आपको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा फिल्टर पेपर के ऊपर। प्रेसिपिटेट पर आप एक ड्रॉप फॉशर्ट्स रिएजेंट की डालिए तो ब्लू ग्रीन कलर जो है उस ड्रॉप के चारों तरफ दिखाई देगा, जो कि बिलीरुबिन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो डायग्राम में अच्छे से दिखाया हुआ आप देख सकते हैं ना, ये अपन ऐसे इस तरह से मिला रहे हैं, फिर फिल्टर पेपर पर प्रेसिपिटेट अपन ने ले लिया, फॉशर्ट्स रिएजेंट डाला तो ये ब्लू ग्रीन प्रेसिपिटेट दिखाई दिया। ये फॉशर्ट्स टेस्ट है। इसके अलावा जो मैंने बोला था फॉर्म टेस्ट, जैमलिंस टेस्ट, लॉगॉल्स आयोडीन टेस्ट, रिएजेंट स्ट्रिप विद डाइएजो रिएजेंट। फॉर्म टेस्ट भी मैं आपको बोल के बता दूँ बहुत ईजी सा टेस्ट है। इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में आप यूरिन लीजिए और उसको शेक करिए। अगर आपको टॉप पे पीले रंग के फॉर्म दिखाई दें, झाग दिखाई दें, इसका मतलब बाइल पिगमेंट इज प्रेजेंट। सो इन फॉर्म टेस्ट शेक यूरिन इन अ टेस्ट ट्यूब, इफ द फॉर्म ऑन टॉप इज येलो बाइल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। सिंपल है, लिख सकते हैं आप ये टेस्ट भी। अब दूसरा पिगमेंट है यूरोबिलिनोजन। अपन ने पहले बिलीरुबिन देखा, अब यूरोबिलिनोजन देख लेते हैं। यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो लीवर से सीक्रेट होता है बाइल में, और फिर वो एक्सक्रीट होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बाइल डक्ट के द्वारा। फिर बैक्टीरियल एक्शन, क्योंकि आप जानते हैं इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई होता है, तो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से वो बिलीरुबिन जो है वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन यूरोबिलिनोजन कहते हैं। तो हो सकता है कि भाई यूरिन में बिलीरुबिन नहीं बल्कि यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। तो यूरोबिलिनोजन को चेक करने के लिए अर्लिट्स टेस्ट होता है। इसमें आपको 5 ml यूरिन लेना है, उसमें 0.5 ml अर्लिट्स रिएजेंट डालना है, जिसमें HCl डिस्टिल्ड वाटर और पैरा डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाल्डिहाइड होता है, इसको अर्लिट्स रिएजेंट कहते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलाइए, यूरिन और अर्लिट्स रिएजेंट मिलाइए, और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए आप उसे छोड़ दीजिए। पिंक कलर अगर दिखाई दिया तो टेस्ट इज पॉजिटिव। देखिए अब इसमें नॉर्मल यूरोबिलिनोजन है, तब वो हल्का पिंक कलर आया है, जब यूरिन में अपन ने अर्लिट्स एल्डिहाइड मिलाया तो हल्का पिंक आ रहा है, तो यानी नॉर्मल यूरोबिलिनोजन है, और अगर गहरा आया है तो वो यूरोबिलिनोजन उसमें मौजूद है। क्यों यूरोबिलिनोजन होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस की वजह से, अर्ली हिपेटाइटिस के केस में, और हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस के केस में। देखिए जॉन्डिस मैंने आपको पहले भी बताया था, 3 तरह का जॉन्डिस होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक को हीमोलाइटिक कहते हैं, हिपैटिक हिपैटिक ही होता है जो नीचे लिखा हुआ है हिपेटोसेल्युलर, और पोस्ट हिपैटिक को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। इसके अलावा हिपेटाइटिस की शुरुआत में भी अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव बताएगा। हिपेटाइटिस एक वायरस कॉजिंग लिवर की डिजीज़ है। अब तीसरा बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। इसका बहुत सिंपल सा टेस्ट है, हेज सरफेस टेंशन टेस्ट। इसमें आपको 5 ml यूरिन के ऊपर सल्फर के पार्टिकल्स को स्प्रिंकल करना है, या सल्फर फ्लावर्स को आपको स्प्रिंकल करना, मतलब छिड़क देना, डाल देना है। अगर बाइल सॉल्ट यूरिन में प्रेजेंट होगा तो सल्फर के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, और अगर बाइल सॉल्ट नहीं होगा तो वो ऊपर ही तैरते रहेंगे, क्योंकि बाइल सॉल्ट जो है वो यूरिन की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिससे सरफेस पार्टिकल्स जो सल्फर के पार्टिकल्स है वो सेडिमेंट हो जाते हैं, सिंक में बॉटम में सिंक डाउन हो जाते हैं। इसलिए ये हेज टेस्ट बड़ा सिंपल सा टेस्ट है जो अपन कर सकते हैं बाइल सॉल्ट के लिए।
अब बाइल ख़त्म हो गया, इसके बाद केमिकल में लास्ट टॉपिक रहता है ब्लड, ब्लड इन यूरिन। तो ब्लड इन यूरिन देखने से पहले अपन देख लें कि ब्लड जो यूरिन में होता है दो फॉर्म में हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स और ब्लड पिगमेंट के रूप में। ब्लड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन मौजूद है तो कंडीशन कहलाती है हीमोग्लोबिन यूरिया, और अगर ब्लड सेल्स यानी RBC वगैरह लाइज होकर के जा रही है तो कंडीशन कहलाती है हीमेट्यूरिया। हीमेट्यूरिया डिनोट्स द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन यूरिन। इट इज़ सीन इन वेरियस रीनल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस और नियोप्लास्टिक और ट्रॉमा रिलेटेड टू एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। वाइल हीमोग्लोबिन यूरिया इज द प्रेजेंस ऑफ ब्लड पिगमेंट्स इन द यूरिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद सर्टन हीमोलाइटिक एनीमियाज दैट कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, मलेरिया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अब टेस्ट, तो देखिए ब्लड को अगर आपको चेक करना चाहे यूरिन में चाहे स्टूल में, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है बेंजेडिन टेस्ट। इसको याद कर लीजिए क्योंकि यही बेंजेडिन टेस्ट मैं आपको स्टूल में भी बताऊंगी। ये टेस्ट आप दोनों में लिख सकते हो, यूरिन में ब्लड मौजूद है चाहे स्टूल में। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि यूरिन के अंदर अगर ब्लड, यूरिन हो चाहे स्टूल हो, अगर ढंग से ब्लड मौजूद होगा तो आपको नेकेड आई से दिखाई देगा, और जब वो दिख रहा है तो आपको उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो दिखाई दे रहा है। पर कई बार क्या होता है, छुपा हुआ ब्लड जो है वो मौजूद रहता है कि ब्लड है पर हमें पता चल नहीं रहा है, तो उस केस में हमारे को केमिकल टेस्ट करना पड़ता है हिडन ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है बेंजेडिन टेस्ट। बेंजेडिन का प्रिंसिपल क्या है कि हीम एक्ट एज अ कैटलिस्ट व्हेन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज मिक्स्ड विद बेंजेडिन। इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन में परऑक्सीडेज एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन परऑक्साइड को डीकम्पोज कर देता है और उससे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि आगे जा कर के नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी बेंजेडिन को और उसको ब्लू कलर दे देगी। तो अगर ब्लू कलर आ गया तो टेस्ट इज पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वल पार्ट आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है बेंजेडिन सॉल्यूशन का 2 ml हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में टेस्ट ट्यूब में डालिए। 2 ml अब यूरिन मिलाइए और मिक्सचर मिला दीजिए, ये जो अपन ने मिक्सचर तैयार किया है हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेंजेडिन सॉल्यूशन का, इनको मिक्सचर को यूरिन में मिला दीजिए। अगर ब्लू या ग्रीन कलर आ जाए 5 मिनट के अंदर अंदर तो रिएक्शन पॉजिटिव है। वैसे तो ब्लू ही होता है, ग्रीन नहीं होता, ब्लू कलर आ जाए तो टेस्ट इज पॉजिटिव। पर कई बार क्या है कि ब्लू थोड़ा सा हल्का लग रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे ग्रीन कलर आया, तो ग्रीन भी अगर आ रहा है तो वो भी पॉजिटिव टेस्ट को ही इंडिकेट करता है। अब हीमेट्यूरिया क्यों हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की डिजीज़ जैसे ग्लोमेरुलर डिजीज़ किसी को हो गई हो। ग्लोमेरुलर डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस हो सकती है, बर्गर्स डिजीज़ हो सकती है, ल्यूपस नेफ्राइटिस हो सकती है, हिनोश स्कोलेनिन परप्यूरा नाम की बीमारी जो है वो देखने को मिल सकती है। परप्यूरा क्या होता है ये मैं आपको पैथोलॉजी में पढ़ाऊँगी। तो ये तो सारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं। अब नॉन ग्लोमेरुलर डिजीज़ के अंदर भाई हो सकता है किडनी में कोई स्टोन बन गया हो, कैलकुलस, या हो सकता है ट्यूमर हो, या कोई इन्फेक्शन हो गया हो, TB फैल गई होगी, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पाइलोनेफ्राइटिस को हनीमून ट्रॉमा कहते हैं, पैथोलॉजी में ये डिजीज़ अपन पढ़ेंगे। या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्रॉमा हो गया होगा या प्रोस्टेट का कैंसर हो गया होगा, तब भी हीमेट्यूरिया देखने को मिलता है। हीमेटोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि कोएगुलेशन डिसऑर्डर किसी पर्सन में हो, सिकल सेल डिजीज़ हो गई हो, तब भी हीमेट्यूरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बेंजेडिन टेस्ट के अलावा कलरीमेट्रिक रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी काम में ले सकते हैं, ग्वाइकम टेस्ट, ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड भी अपन ब्लड को डिटेक्ट करने के काम में लेते हैं, पर सबसे अच्छा मेथड बेंजेडिन टेस्ट ही है जो सबसे कॉमनली अपन काम में लेते हैं। इसके साथ आपके यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हमें अब लास्ट जो टॉपिक है, फिजिकल कंप्लीट हो गया, केमिकल कंप्लीट हो गया, तो लास्ट हमारा बच रहा है माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन सेडिमेंट। तो देखिए मैंने वर्ड यूरिन सेडिमेंट क्यों बताया, बताते हैं। क्वालिटेटिव टेक्निक है एक तो ये देखने की, डिटेक्ट करने की, यूरिन इसके अंदर अपने को फ्रेशली वॉइडेड ही लेना है,
एग्जामिन करना है बिना देर किए ताकि सेलुलर डिजेनरेशन ना हो जाए, वरना मतलब ही नहीं रह जाएगा टेस्ट का। प्रिजर्वेटिव्स अगर डालने हैं तो केवल 1 क्रिस्टल थाइमोल का या 1 ड्रॉप फॉर्मेलिन की आप 10 ml यूरिन में डाल सकते हो, इससे ज़्यादा डालेंगे तो वो ऑल्टर्ड कर देगा आपके रिजल्ट्स को। आप यूरिन के सैंपल को अच्छे से पहले मिला लीजिए 10 से 15 ml, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करिए मशीन में 5 मिनट के लिए 1500 RPM पर। सेंट्रीफ्यूज क्यों कर रहे होते हैं? ताकि अपने को सेडिमेंट्स मिल सके। टॉप पार्ट जिसको अपन सुपरनेटेंट कहते हैं, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, ये हमारे कोई काम का नहीं है। और नीचे जो सेडिमेंट बचा है, ड्रॉप ऑफ यूरिन लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब दैट इज सेडिमेंट इज प्लेस्ड ऑन द ग्लास स्लाइड। जो नीचे सेडिमेंट बच गया, आप उसको ग्लास स्लाइड पर लेकर के कवर स्लिप रख दीजिए और हाई पावर लेंस के नीचे आप उसको एग्जामिन करिए, मतलब आप एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यूरिन सेडिमेंट का, इसलिए मैंने ये वर्ड यूरिन सेडिमेंट स्टार्टिंग में यूज़ किया था। और ये क्या है, इट इज़ अ क्वालिटेटिव और अ सेमी क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ यूरिन सेडिमेंट, जनरली प्रोवाइड्स एडिक्वेट इंफॉर्मेशन फॉर मेजॉरिटी ऑफ डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिकल नीड्स। तो बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको यूरिन के बारे में देगा, जैसे कि एविडेंस ऑफ रीनल डिजीज़ एज अपोज टू लोअर यूटराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इट इंडिकेट्स द टाइप एंड स्टेट ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ रीनल लेजन और डिजीज़ कंडीशन। आपको रीनल डिजीज़ अगर किसी में है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर इन्फेक्शन के अलावा, या फिर कोई रीनल में कोई घाव हो गया है या कोई दूसरी डिजीज़ कंडीशन है, तो वो किस टाइप की है, कौन से स्टेट में है, ये सब चीज़ें भी आपको पता चल जाती है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। अब अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, क्या क्या हमें मिल सकता है यूरिन के अंदर। तो देखिए, इसमें जो यूरिन में अपन को सेडिमेंट्स मिल रहे हैं, नॉर्मल सेडिमेंट्स जो हैं, कंटेन्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनको क्लासिफाई करते हैं अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स और ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स में। अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं वेरियस पीएच के, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल्स, सिस्टीन, ल्यूसिन, टायरोसिन, सल्फा क्रिस्टल्स। इसके अलावा एल्कलाइन क्रिस्टल्स भी दिखते हैं इसके। ये तो हुए अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स में आपको कास्ट दिखेंगे। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स, एपिथीलियल सेल्स वगैरह दिखते हैं। तो ये चीज़ें अपन को दिख रही हैं। तो हम जो सबसे पहले देख रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड सेडिमेंट्स को देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहली आती है रेड ब्लड सेल्स। नॉर्मली यूरिन में कोई RBC नहीं पाई जाती। RBC स्मॉल, स्मूथ, येलोइश, ए न्यूक्लियट बाइकॉनकेव डिस्क के रूप में दिखाई अगर आपको दे रही है, तो आप उनका साइज देखिए, 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, आइसोमॉर्फिक है। फ्रेश यूनिट यूरिन में ये पाई जा सकती है। 9 से 10 डायमीटर माइक्रोन के डायमीटर की स्वॉलन फाउंड हाइपोटोनिक यूरिन के अंदर RBC पाई जाती है, और स्मॉलर डायमीटर जिसकी थोड़ी सी स्पाइक ऐसे कांटों वाली सरफेस हो, जिसको अपन क्रीनेटेड कहते हैं, ये हाइपरटोनिक मतलब गाढ़े यूरिन में पाई जा रही होती है। और वेरिएबल शेप और साइज मतलब डिसमॉर्फिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिल सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशन के अंदर किस किस तरह की RBC दिख सकती है, वो हम लोगों ने यहाँ पे अभी देखा है। दूसरी RBC अलावा चीज़ें दिखती है वाइट सेल्स। वाइट सेल्स जो आपको दिख रही है नॉर्मल यूरिन के अंदर 3 से 5 सेल्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पर फील्ड आपको दिखाई दे सकती है। ये स्फेरिकल होती है, ग्रैन्यूलर विद विजिबल न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियाई आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। 10 से 15 माइक्रोन का साइज होता है। ये टेढ़ी मेढ़ी छोटी या थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स वाली डीजेनरेटिव WBC दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ऐसी डिजेनरेटेड हुई ना, ये तो नॉर्मल है नहीं। इन्फेक्शन अगर किसी को, तो क्लम्प्स के रूप में आपको दिखाई देंगी। तो ऐसा इनकी खासियत होती है WBC की। इसके WBC के बाद तीसरी सेल्स दिखती हैं, वो हैं एपिथीलियल सेल्स। तो नॉर्मली फ्यू एपिथीलियल सेल्स अकर इन द यूरिन, पर अगर इनका मार्क इंक्रीज इन दीज सेल्स इन द यूरिन इज सीन डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाए, जैसे रीनल ट्यूबुलर सेल्स का, ब्लैडर एपिथीलियल सेल्स का, स्क्वैमस एपिथीलियल सेल्स का, तब ये दिखाई दे सकती हैं। तब कैसी दिखाई देंगी? ये स्मॉलर पॉलीहेड्रल कॉल्यूमनर या ओवल ग्रैन्यूलर साइटोप्लाज्म के साथ में इसेंट्रिक न्यूक्लियस आपको इसका दिखाई देगा। ये थोड़ा सा अपन बड़ा करके देखें, ये देखिए है ना, तो इस तरह की जो सेल्स हैं वो आपको दिखाई देंगी। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस
पाइलोनेफ्राइटिस और वायरल इन्फेक्शन के केस में ये जनरली दिखाई देती हैं। अब इसके बाद ये सेल्स जो हैं वो तो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। तो सेल्स के बाद मैंने आपको कहा ऑर्गेनाइज सेडिमेंट में क्या दिखाई देते हैं, कास्ट दिखाई देते हैं। कास्ट जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सिलेंड्रिकल एग्रीगेशंस ऑफ पार्टिकल्स आपको दिखते हैं फॉर्म इन द डिस्टल रीनल ट्यूबुल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स कंपोज्ड ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन इनके बने हुए होते हैं। कास्ट जो हैं वो ट्यूबुल्स में पाए जाते हैं, प्रोटीनेशियस मटेरियल के बने हुए होते हैं, ये ग्रोमेलर सिक्रीशन के वॉश्ड आउट होते हैं जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स और ब्लैडर में आ गए हैं। सिलेंड्रिकल शेप मैंने आपको बता ही दी है, उसके अलावा हो सकता है गोल हो या उसके किनारे थोड़े से टूटे वूटे से हो, पर डायमीटर इनका यूनिफॉर्म होता है और लेंथ जो है वो इनकी वेरी करती है। इनको एसिडिक कंडीशन चाहिए होती है, हाई सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, ये यूरिन फ्लो को कम कर देते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। प्रैक्टिकली सभी कास्ट जो है वो हाइलाइन मैट्रिक्स के होते हैं जिनमें इंक्लूजन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर मैंने कास्ट के नाम बताया, हाइलाइन कास्ट, ग्रेन्यूलर कास्ट, एपिथेलियल कास्ट, रेड ब्लड सेल कास्ट, वाइट ब्लड सेल कास्ट विच इज़ ऑल्सो नोन पस सेल्स, फैटी कास्ट, वैक्सी कास्ट एट्सेट्रा। अब यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन भी दे रखा है कि जो कास्ट हैं वो ए सेलुलर और सेलुलर दोनों तरह के होते हैं। ए सेलुलर में हाइलाइन, ग्रेन्यूलर, वैक्सी, फैटी और ब्रॉड कास्ट आता है। सेलुलर में रेड सेल, वाइट सेल और एपिथेलियल सेल के कास्ट आते हैं। हाइलाइन कास्ट सबसे कॉमन टाइप का कास्ट है, ये सिलेंड्रिकल विद पैरेलल साइड्स और ब्लंट राउंड एंड इनका होता है, इनके जो किनारे हैं वो ब्लंट राउंड एंड होते हैं। ये कलरलेस होता है, होमोजिनस एक जैसा और ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है ना, एकदम हल्का सा ट्रांसपेरेंट, जिसके किनारे ऐसे गोल से ब्लंट किनारे हैं इसके। कब दिखाई देता है, किसी को फीवर हुआ हो, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कोई कर ले, या ग्लोमेरुलर प्रोटीन यूरिया किसी को हुआ हो तो हाइलाइन कास्ट दिखाई देते हैं। ऑर्थोस्टैटिक प्रोटीन यूरिया के अंदर इमोशनल स्ट्रेस में भी दिखते हैं ये, तो ये हाइलाइन कास्ट की खासियत। दूसरे हैं ग्रेन्यूलर कास्ट, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हैं जिसमें विद क्रॉस और फाइन ग्रेन्यूल्स, कोर्स और फाइन ग्रेन्यूल्स, बड़े बड़े या छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इनमें इन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देते हैं। ये एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस के केस में यूरिन के अंदर पाए जाएंगे। लार्ज और फाइन ग्रेन्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं इनके कोगुलेटेड प्रोटीन के अंदर, ये नॉर्मल यूरिन में नहीं होते, केवल ये पाइलोनेफ्राइटिस को मेनली इंडिकेट कर रहे होते हैं या फिर लेड पॉइजनिंग के अंदर भी ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है वैक्सी कास्ट, होमोजिनस स्मूथ ग्लासी अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है, थोड़े से क्रैक्ड होते हैं, दिख रहे ना ऐसे टेढ़े मेढ़े टाइप के, है ना, तो ये क्रैक्ड होते हैं। सीरेटेड मार्जिन्स हो सकते हैं इनके या इरेगुलर ब्रोकन ऑफ एंड्स होते हैं, टूटे फूटे से किनारे इनके। ये एंड स्टेज रीनल फेलियर के अंदर दिखाई देते हैं, एंड स्टेज रीनल फेलियर के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। ब्रॉड होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, जब यूरिन फ्लो हो रहा होता है तो व्हेन द यूरिन फ्लो थ्रू दैम इज रिड्यूस्ड, इनकी वजह से यूरिन फ्लो फिर कम होने लगे, रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। होमोजिनस येलोइश मटेरियल ये होते हैं, रिफ्रेक्टाइल आउटलाइन होती है इनकी, ब्रिटल होती है। क्रॉनिक रीनल डिजीज़ जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है उसमें ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा फैटी कास्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। फैटी कास्ट क्या हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फिल्ड विद हाईली रिफ्रेक्टाइल फैट ग्लोब्यूल्स इन टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन मैट्रिक्स, आपको ये कास्ट फैट ग्लोब्यूल्स के साथ में दिखाई देंगे। स्टेन आप इसको कर सकते हो सूडान थर्ड सॉल्यूशन के साथ में, तो ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। नॉर्मल ये यूरिन में नहीं होते, डीजेनरेटिंग सेल से ये डिराइव्ड होते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में ये देखने को मिलेंगे आपको, तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। अब ब्रॉड कास्ट क्या होते हैं, ये डायलेटेड डिस्टल ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर किसी को हुआ हो या सीवियर रीनल ट्यूबुलर ऑब्स्ट्रक्शन किसी के अंदर हो तो ये दिखाई देते हैं। इनको प्रोग्नोस करना एसोसिएटेड विद पुअर प्रोग्नोसिस, जिस चीज़ का प्रोग्नोसिस पुअर हो रहा होता है उसके अंदर इस तरह के ब्रॉड कास्ट दिखाई दे रहे होते हैं। ये ब्रॉड ग्रेन्यूलर कास्ट जो वैक्सी हो गया कि किनारे इसके टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे से हो गए हैं, तो ये अलग अलग तरह के आपको बाइल स्टेन वैक्सी कास्ट दिखाई दे रहा है, एसएम स्टेन वैक्सी कास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब यह ऑर्गेनाइज्ड तो ख़त्म। फिर मैंने आपको बताया था अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स भी पाए जा रहे होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेडिमेंट्स में क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को अपन देख लें। क्रिस्टल्स मैंने कहा था पीएच के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। नॉर्मल क्रिस्टल जो यूरिन में होते हैं वो एसिडिक यूरिन या अल्कलाइन यूरिन में जो क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, एसिडिक में यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट और एमॉर्फस यूरेट्स के क्रिस्टल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा सिस्टीन, ल्यूसिन, टायरोसिन और सल्फा के भी क्रिस्टल्स एसिडिक यूरिन में देखने को मिलते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वेरिएबल शेप के होते हैं, पीले से भूरे रंग के होते हैं। ये एल्कली में सॉल्युबल होते हैं पर एसिड में सॉल्युबल नहीं होते। गाउट और ल्यूकीमिया किसी को हुआ हो, गाउट जोड़ों की बीमारी है और ल्यूकीमिया ब्लड का कैंसर है, तो उसमें ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यूरिन में दिखते हैं। अब कैल्शियम, क्योंकि यूरिक एसिड के क्रिस्टल से ही गाउट होता है। एक्चुअली गाउट किससे हो रहा है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल से ही होता है। कई लोगों में यूरिक एसिड से क्रिस्टल्स बहुत बनते हैं और वो घुटनों वगैरह जो जॉइंट्स हैं जितने भी वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे कि उनका मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, पेनफुल मूवमेंट होता है, यही बीमारी गाउट कहलाती है। दूसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, ये कलरलेस एनवलप शेप के होते हैं। कॉमनली जो टोमेटो कैबेज ज़्यादा खा रहे होते हैं, गोभी ज़्यादा पसंद है, टमाटर ज़्यादा पसंद है, ऐसी डाइट अगर ज़्यादा ले रहे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। लार्ज नंबर इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग के अंदर इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हैं। तो न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन यूरिन के अंदर भी ये दिखाई दे सकते हैं, ये इसकी खासियत है। इसके अलावा जो पालक ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी देखने को मिल रहे होते हैं। डंबल शेप के कई बार देखने को मिल जाते हैं और मैंने कहा स्ट्रॉन्ग HCl वगैरह में ये इनसॉल्युबल होते हैं। लास्ट है एमॉर्फस यूरेट्स के क्रिस्टल्स, तो ये यूरेट सॉल्ट्स जो पोटेशियम के होते हैं या मैग्नीशियम या कैल्शियम के एसिड यूरिन के अंदर, वो एमॉर्फस यूरेट्स कहलाते हैं। फिर मैंने कहा इसके अलावा आपको और क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। सिस्टीन के क्रिस्टल्स पर बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा। ऐसे ही ल्यूसिन के क्रिस्टल्स येलो ऑयली दिखाई दे रहे होते हैं, स्फेरिकल दिखते हैं। टायरोसिन के क्रिस्टल्स फाइन निडल्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सल्फा के क्रिस्टल्स जो हैं वो सल्फोनामाइड दवाई जो यूरिन वो जो पेशेंट्स ले रहे होते हैं उनके यूरिन के अंदर ये क्रिस्टल्स, सल्फा के क्रिस्टल्स दिखते हैं। सल्फोनामाइड एक मेडिसिन है। अब एल्कलाइन यूरिन के अंदर कौन कौन से क्रिस्टल्स होते हैं भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स, अमोनियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स, फॉस्फेट्स के क्रिस्टल्स, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के क्रिस्टल्स और एमॉर्फस फॉस्फेट के क्रिस्टल्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट देखिए, इनके क्रिस्टल्स छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं और पेयर में ग्रुप्ड रहते हैं। डंबल शेप के भी हो सकते हैं। एसिटिक एसिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं और गैस का फॉर्मेशन करते हैं, इन क्रिस्टल्स की खासियत। दूसरा अमोनियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स, इसको अपन अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। ये येलो ब्राउन होते हैं, कैक्टस जैसे दिखाई दे रहे होते हैं, इनको अपन थॉर्न एप्पल कहते हैं, क्योंकि कैक्टस जैसे दिखते हैं ना, तो इसको अपन क्या कहते हैं, थॉर्न एप्पल। या ट्रिपल फॉस्फेट क्रिस्टल्स भी इनको कहा जाता है। ये कलरलेस होते हैं, कॉफिन लिड होते हैं, फैदरी या लीफ के जैसे दिखाई दे रहे होते हैं। फ्रेशली पास्ड यूरिन के अंदर अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो ये ब्लैडर या किडनी में कोई स्टोन हुआ है, इसको इंडिकेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है ये फॉस्फेट के क्रिस्टल्स। फॉस्फेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो ट्रिपल फॉस्फेट्स वाले, जो मैंने अभी वर्ड ऊपर बोला था, ट्रिपल फॉस्फेट्स यानी अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं। कलरलेस है, तीन से छः तक इनकी साइड्स होती है, प्रिज्म जैसे, मतलब ये दिखाई देता है। प्रिज्म आपने देखा होगा ना, फिजिक्स के अंदर आपको इसका प्रैक्टिकल करवाया जाता था 11th 12th के अंदर। ऑब्लिक सरफेस होती है किनारों पर इसकी। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के क्रिस्टल्स, ये कलरलेस और वेरिएबल शेप के होते हैं। लास्ट है एमॉर्फस फॉस्फेट, ये कलरलेस स्मॉल ग्रेन्यूल्स के रूप में दिखाई दे रहे होते हैं। ये सारे आप क्रिस्टल्स देख सकते हैं, देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, ट्राई फॉस्फेट क्रिस्टल्स, देखिए कितने अच्छे सुंदर से दिखाई दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स। डंबल शेप के भी होते हैं कैल्शियम, ट्रिपल फॉस्फेट के क्रिस्टल्स लंबे लंबे दिख रहे हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के डंबल शेप के क्रिस्टल्स हैं, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स हैं। अब एमॉर्फस क्रिस्टल्स जो यूरिन में, जो मैंने नाम अभी आपको कई सारे और बताए थे वो यहाँ दिए हुए हैं, क्योंकि एमॉर्फस क्रिस्टल जैसे सिस्टीन के क्रिस्टल्स, ये कलरलेस होते हैं, क्लियर हेक्सागन शेप के, षटकोण आकार के होते हैं, हाईली रिफ्रैक्टाइल प्लेट्स हैं,
प्लेट्स जैसा दिखाई दे रहे होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। ये सिस्टीन यूरिया किसी को हो गया हो तो दिखाई दे रहे होते हैं, सिस्टीन के ट्रांसपोर्टेशन में डिफेक्ट आ जाता है, तब ये स्टोन भी बन जाता है, सिस्टीन का स्टोन भी, तो उसमें ये दिखाई देता है सिस्टीन के क्रिस्टल। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स ये कलरलेस रिफ्रेक्टाइल होते हैं, फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लेट्स के बने होते हैं, नॉच इनके किनारे होते हैं ऐसे जैसे किसी ने दबाया हो किनारों को, ऐसा लगता है। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम और हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है बिलिरुबिन के क्रिस्टल्स, ये ब्राउन वेरिएबल शेप के होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज़ किसी को हुई हो, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जैसी बीमारी, तब ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है टायरोसिन के क्रिस्टल्स, ये फाइन कलरलेस क्लस्टर्स हैं या येलो निडल्स हैं जो कि लिवर डिजीज़ या टायरोसिनेमिया के अंदर देखने को मिलेगी। लास्ट है ल्यूसीन के क्रिस्टल्स, ये रिफ्रेक्टाइल होते हैं, पीले से भूरे रंग के गोल होते हैं, रेडियल और कंसेंट्रिंग स्ट्राइशंस इनके अंदर पाए जा रहे होते हैं ऐसे जैसे लकीरें बनी हुई हो। ये टायरोसिन इन यूरिन एलोविन टायरोसिन इन सीवियर लिवर डिजीज़, सीवियर लिवर डिजीज़ के साथ में टायरोसिन जब निकल रहा होता है यूरिन में दिखाई देते हैं, मतलब अगर किसी को लिवर सिरोसिस हो गया तो ये ल्यूसीन के क्रिस्टल्स टायरोसिन के साथ में दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं आप सिस्टीन के क्रिस्टल्स हेक्सागन शेप बेंजीन जैसे रिंग दिखती है, इधर कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हैं, नीचे ल्यूसीन के क्रिस्टल्स और बिलिरुबिन के क्रिस्टल्स हैं। बस इसके साथ ही आपका ये यूरिन एनालिसिस का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जो हमने पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था। दो क्लासेस में हमने इसको पूरा किया, जिसके अंदर हमने फिज़िकल एग्जामिनेशन किए, फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमने वॉल्यूम, कलर, अपियरेंस, पीएच ये सब देखा। फिज़िकल एग्जामिनेशन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमने फिज़िकल में ही देखा था। उसके बाद हमने केमिकल एग्जामिनेशन किया, जिसमें हमने ग्लूकोज, प्रोटीन्स, बाइल, कीटोन बॉडी और ब्लड को एग्ज़ामिन किया। और लास्ट में हमने माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किए, जिसमें RBC, WBC, क्रिस्टल, कास्ट वगैरह हमने स्टडी किए। इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस आप मेरे को मेल के थ्रू भेज दीजिए, मुझे जैसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे मैं आपको आपके आंसर्स दे दूँगी।